हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये प्रोडक्ट है बच्चों को दिया जाने वाला वुडवर्ड का ग्राइप वाटर। बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि इसका यूज आप ऐसे बच्चों में कर सकते हैं जिनके ग्रोथ के समय आप चाहते हो कि उनको कोलिक की प्रॉब्लम ना हो। बच्चों में क्या होता है, जब वो पानी पीते हैं, मिल्क यूज करते हैं, तो पेट में गैस बनने लगते हैं और ये जो गैस है उनको प्रॉब्लम करती है, जिससे उनको भूख भी नहीं लगती और पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो मैक्सिमम टाइम रोते रहते हैं। ये जो ग्राइप वाटर है वो काफी लंबे समय से यूज किया जा रहा है, हालांकि इसके पीछे एक कंट्रोवर्सी भी है। कुछ डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ डॉक्टर इसे लेने से मना करते हैं। सो कभी भी जब कोई भी प्रोडक्ट आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हो तो एक बार अपने स्पेसिफिक डॉक्टर से जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं उनसे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। हालांकि ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपके इनसिक्योरिटी के लिए मैं ये चीज बता दूं कि मैंने खुद इसे यूज किया था। एज पर माई फैमिली गाइड उन्होंने बताया कि हमने भी इसको यूज किया था हमारे लिए और मैं अभी अपने बच्चों के लिए भी ये चीजें यूज करता हूं। इसके मल्टीपल एडवांटेज भी हैं। मल्टीपल एडवांटेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे जो बच्चे ग्रोथ हो रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में जो गोलिक की प्रॉब्लम होगी उसको डिसॉल्व तो करेगा ही करेगा, उनकी भूख को भी बढ़िया बनाने का काम करता है, जिससे वो अच्छी डाइट लेते हैं और वो उनकी जो एज होती है वो डेवलपिंग एज होती है। डेवलपिंग एज कहने का मतलब होता है एक ऐसा फेज ऑफ एज जहां पर वो बहुत अच्छे मात्रा में ग्रो कर सकते हैं। जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में हर एक न्यूट्रास्यूटिकल्स या हर एक वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए जो कि जरूरत है किसी ने किसी पर्टिकुलर पर्पस के सॉल्व करने के लिए। और ये जो फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, वो तभी मिलेगा जब वो डाइट के रूप में यूज करेंगे। ये कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं है, मैं जो कह रहा हूं कि वो फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स के आपको दोगे, तो उसको लेने के लिए भूख लगना जरूरी है। और अगर पेट में कोलिक हो रही होगी तो उनको भूख लगेगी नहीं। ऐसे केस में ये जो आपका ग्राइप वाटर है उस भूख को उठाएगा, भूख लगाएगा उनको, ताकि वो उसको कंज्यूम करेंगे और अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा, कई बार इसको डॉक्टर तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपके छोटे बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं, तो दांत निकलने टाइम उनको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, आज भी किसी किसी जगह फेस करनी पड़ती है, बट ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। उनमें से प्रॉब्लम क्या है, उनमें से प्रॉब्लम बेसिकली होता यह है कि उनको थोड़े फीवर आने लगते हैं, उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रोते रहते हैं, पेट में उनको दर्द होता है, हालांकि वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनको प्रॉब्लम क्या है, बट एज अ पेरेंट हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो तो ये होता है क्योंकि जब दांत निकलने वाले होते हैं तो उनके मसूड़ों में कुछ एक प्रकार से सेंसिटिविटी लगने लगती है, मतलब एक प्रकार से बोले कि कुछ ऐसा इरिटेट करता है जिससे वो चाहते हैं कुछ भी चीज मुझे दो, मैं चबा लूं उसको, तो जो कुछ भी वो देखते हैं वहां से उठा लेते हैं, हो सकता है उसमें कोई कंटामिनेशन हो, तो इसकी वजह से उनको लूज मोशन फीवर भी हो सकते हैं। और इन जनरल भी किसी किसी को फीवर होता है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम वहां पे काम कर रहा होता है, दांत जब निकल रहे होते हैं, चुभ रहे होते हैं, तो फिर वहां पे डिफरेंट भी इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स वो भी काम कर रहे होते हैं। सो उनमें से एक ऐसा ये जो ग्राइप वाटर है, ऐसा कहते हैं कि इसके यूज करने से आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, पेट के दर्द में, पेट में गैस बनने के कारण से इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, दांत निकलने समय के प्रॉब्लम से आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसका डेली यूज करना है, 3 टाइम इसको यूज करना है, डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की एज कितनी है। तो जब आप इसे परचेस करेंगे तो इसके पीछे आपको पूरा इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है, मंथ वाइज अगर आप बात करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली कितना ml, कितना ड्रॉप आपको कितने टाइम देना है उस पर सजेस्ट किया गया रहता है। हालांकि यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर वो न्यू बॉर्न है, अभी अभी उनकी उम्र स्टार्ट हुई है, अभी अभी ग्रो हुआ ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको आप 2.5 ml यानी कि आधे चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 1 से 6 महीने के आसपास है तो उनको हम दिन में 3 बार 5 ml दे सकते हैं, बट अगर उनकी उम्र 6 महीने से लेकर 12 महीने के आसपास है तो उनको आप 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन टाइम, या उसको 3 बार भी आप दे सकते हैं। और अगर उनकी उम्र 1 साल से लेकर 3 साल है तो इनको 10 से 15 ml दिन में आप 3 बार दे सकते हो। इसमें लिखा हुआ है नॉन अल्कोहलिक फॉर्मूला, यानी कि इसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं है, तो कंटेंट भी अगर आप इसको परचेस करेंगे तो देख सकते हैं, अभी वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें जो आपके सौंफ वगैरह होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन निकाला गया है, डिल वाटर इसमें ऐड किया जाता है, काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट करता है ग्रो में। इस पे लिखा हुआ है, काफी पुराना है, इसके जो इंडिकेशन है उसमें भी लिखा रहता है कि इट इज यूजफुल ड्यूरिंग द टीथिंग पीरियड, जब दांत निकल रहा होगा उस समय काफी यूजफुल है, आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं, यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दांत निकलते समय भी ये काफी यूजफुल होता है, प्रमोट डाइजेशन, जो आपके पेट में किसी कारण से डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है बच्चे के, उसको भी ठीक करके डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। और डाइजेशन अगर अच्छा होगा तो भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगा तो खाएंगे ज्यादा और उससे उनकी बॉडी के ग्रोथ फेज में काफी सारे न्यूट्रिशन वगैरह मिलने लगेंगे। इसके बाद हेल्दी ग्रोथ को भी इंश्योर करता है, यानी कि ग्रोथ कंफर्म हो सके, ग्रोथ अच्छे से हो सके, ग्रोथ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसका भी ये ख्याल रखता है। तो ये जो आपका ड्रॉप है, वाटरी ड्रॉप है, इसे आप अपने बच्चे को दे सकते हैं अगर आपके कोई स्पेसिफिक इशू ना हो तो।
सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप उम्मीद करता हूं कि ये सब जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी। और कोई भी मेडिसिन का डोज हम तब तक बताते नहीं है जब तक कि वो ओटीसी प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि डोज डिपेंड्स करता है बच्चे के ऊपर, जैसे मैंने आपको मंथ वाइज दिया और स्पेसिफिक कंडीशन टू कंडीशन। सो कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर।